गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरीश फरी। सो कैसे हैं आप सब? आज है मेरा कॉलेज का दूसरा दिन और मैं कर रही हूँ इंतज़ार अपनी बस का, और थोड़ी ही देर में यहाँ पे 15 to 20 मिनट्स में मेरी बस आ जाती है। सो आज हमें कॉलेज तो जाना है, लेकिन कॉलेज से हमें निकलना है कुछ म्यूज़ियम्स देखने के लिए। सो इसके बाद जो हम गए थे, दो म्यूज़ियम गए थे, एक जगह तो एक अंकित मैम है उनके यहाँ गए थे, वहाँ पर हमने सारे ड्राॅइंग्स एंड पेंटिंग्स थी उनके बारे में देखा था, जो कि अभी मैं आपको आगे कंटिन्यू व्लॉग में बताऊँगी दिखाऊँगी भी। सो अभी तो फिलहाल मैं बस में चढ़ चुकी हूँ एंड फाइनली उसके बाद मैं कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज पहुंचने के बाद जो है मैंने देखा कि यहाँ पे रूट 6 अभी तक नहीं पहुंचा था, हम लोग पहुंच चुके थे, तो बस रूट 6 का इंतज़ार हो रहा था कि बाकी सारे बच्चे भी आ जाएं, तो उसके बाद हम लोग अपने आगे का काम शुरू करें क्योंकि हम लोग को जल्दी निकलना था। तो ये है हमारा कैफेटेरिया। वैसे मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में भी आप लोगों को दिखाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मैं आप लोगों को ठीक से नहीं दिखा पाई थी। फिर यहाँ पे थोड़ी देर घूमने के बाद हम लोग निकल गए यहाँ से। फिर हमारी बस निकल गई म्यूज़ियम के लिए, और वैसे तो हमें 9:15 पर निकलना था, लेकिन एक घंटा में लेट हो गया, 10:15 के आसपास हम लोग निकले थे, बाकी बच्चों का वेट करते करते एक घंटा लेट हो गया था। बाकी यहाँ पे बच्चों की तादाद आप लोग देख सकते हैं, और सारे यहाँ पे जितने भी हैं सब BFA MFA वाले सीनियर्स भी हैं हमारे, हम सब जूनियर्स थे। तो फिर क्या, हम सारे जूनियर्स ऐसे ही बैठे हुए थे, हमारे जितने भी सीनियर्स थे बहुत शोर मचा रहे थे, कहने का मतलब है मस्ती कर रहे थे, सब लोग गाना वाना गा रहे थे, अपना स्पीकर भी लेकर आए थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, और फिर मैं भी बैठ करके सब लोग को देख रही थी, तो अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, मुझे भी बड़ी हंसी आ रही थी, सब लोग कॉमेडी भी कर रहे थे साथ साथ। फिर इसी तरह हमारा रास्ता चलता गया, बहुत प्यारे प्यारे रास्ते में सीन भी देखने को मिले और बहुत अच्छा भी लग रहा था। फिर लेकिन रास्ता इतना लंबा हो गया था, अराउंड 2-2.5 घंटा हम लोग को रास्ते में लग गया, बैठे 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 हालत भी ख़राब हो गई थी, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे सीन्स हमें रास्ते में देखने को मिले थे, तो हमने थोड़ा थोड़ा शूट भी कर लिया रास्ते में। देन फाइनली जहाँ हमें पहुँचना था हम पहुँच गए। फिर एक एक करके हम लोग सारे बच्चे बस से उतरे, काउंट कर करके हमें सारे फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को अलग किया जा रहा था। पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। फिर बस से उतरने के बाद कुछ दूर चलने के बाद हमारा एक बिल्डिंग आती है, जहाँ पे हम एक अच्छी सी प्यारी सी सीढ़ियाँ आती हैं, वहाँ पे हम चढ़ते जा रहे थे। तो अच्छा भी लग रहा था यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा डर भी लगने लगा जब ज़्यादा हाइट पे चले गए, क्योंकि सीढ़ियाँ कुछ ऐसे स्टाइल की थी कि ऐसा लग रहा था कभी गिर गए तो क्या होगा। तो हम सारे फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को आगे ही रखा हुआ था, 1 by 1 करके हम सारा लाइन बना करके ऊपर चढ़ रहे थे। देन फाइनली तीसरे या चौथे फ्लोर पे पहुंचने के बाद यहाँ पर हम अंदर एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे एक अंकित मैम हैं, तो अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, यही स्टार्टिंग में खड़ी हैं, यही हैं जो अभी बताएँगी सारी डिटेल्स। तो यहाँ पे अंदर जाने के बाद जो सारे पिक्चर्स एंड उसकी जितनी भी डिटेल्स थी सब लिखी हुई थी, वो सब हम लोग देखने लगे। उसके बाद थोड़ी देर तक तो सब लोग फ़ोटो वोटो खींचने में लगे हुए थे, सब हर एक एंगल सब लोग ये सारी ड्राइंग्स की फ़ोटो खींच रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैम आती हैं और एक्सप्लेनेशन शुरू करती हैं 1 by 1। हेलो,
sometimes I curate works or artworks or shows in Germany also. So I invited him, this Brendan Bellinger, influence our life. Finally, it influences our individual life. Oilware was transported to the Gulf of Mexico, and that was 2010. And the whole Gulf was somehow, or the life in the Gulf was somehow fully extinct. So there was no life anymore. And in the beginning of this happening, I can say, several countries tried to remove. छुट्टी हो गई हमारी. बस यात्रा हाय थक गई यार. फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग जाते हैं एक और जगह जो कि है अनुपम सूद एग्जीबिशन. वहाँ पे हम जाते हैं और उसके बाद हम यहाँ से उतरते हैं. हम लोग को पता नहीं था एग्जैक्टली हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर वालों को तो बिल्कुल किसी चीज़ का आइडिया नहीं था, इंक्लूडिंग मी. मैं भी फ़र्स्ट ईयर में ही हूँ. तो बाकी जो हमारे सीनियर्स थे वो हमें गाइड कर रहे थे कि एग्जैक्टली कहाँ पर जाना है. फिर इसी तरह से हम चलते जा रहे थे. मैं थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा शॉट ले रही थी, वीडियो शूट कर रही थी, जहाँ पर बहुत अच्छी जगह आ रही थी, लोकेशन आ रही थी. तो अराउंड 5 से 10 मिनट तक हम इसी तरह से चलते गए. देन अरे 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 कहाँ चलते जा रहे हैं. वो देखो वॉल्फ अच्छा लग रहा है. कनक इधर आ जाओ. तो यहाँ पे पहुँचने के बाद, हमने अंदर जाने के बाद देखा काफ़ी शांति थी, मतलब एकदम धीरे धीरे सब लोग बात कर रहे थे, लेकिन माहौल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. बाकी यहाँ पे जो ड्राइंग्स थी, भैया बाप रे क्या मतलब ज़बरदस्त ड्राइंग्स थी. और मतलब मैं पहली बार एक्चुअली इस टाइप की जगह पर आई हूँ, मैं कभी इस टाइप की जगह गई नहीं, तो मुझे एक एक ड्राइंग इतनी अच्छी लग रही थी. मतलब हर एक ड्राइंग में ना एक कोई ना कोई स्टोरी या कोई ना कोई इनडायरेक्टली चीज़ें जो है जाहिर हो रही थी. अगर आप उसको ध्यान से नोटिस करो, अगर आप BFA में आना चाहते हो या अगर आने वाले हो का आप सोच रहे हो, तो मतलब एक तरह से बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप BFA में NIU में अगर आते हो तो. बाकी और किसी कॉलेज का तो आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन अगर BFA में या MFA में अगर आप आते हो आर्ट साइड में, तो आप लोग को ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे. फिर जब हमारी छुट्टी हुई थी तो हमारे एक सीनियर भैया थे, तो उन्होंने हम लोग को बताया कि एग्जैक्टली हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ या अलग से भी अगर आना चाहें यहाँ पे आ सकते हैं या नहीं, क्योंकि इतना बड़ा था. जहाँ पे हम एंटर हो रहे थे वहाँ पे एक नई जगह खुलकर आ रही थी, नए स्टाइल की ड्राइंग्स थी वहाँ पर. तो ये सारे मेटल वर्क हैं, ये मेटल वर्क भी अगर लाइव देखोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ऐसे वीडियो में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है.
तो बेसिकली हम जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे थे, हम लोग ने भैया से यही सवाल करा था कि अगर हम बाद में आना चाहें विद अवर पेरेंट्स या फ्रेंड्स के किसी के साथ भी तो आ सकते हैं। तो उन्होंने यही बताया था कि यहाँ पे आने के लिए जो है इनविटेशन मिलता है, तभी हम आ सकते हैं। अगर पेमेंट करके ऐसे आना चाहें तो आने के लिए अलाउ नहीं होता। देखो सुपर डुपर वाइट है कनक। तो वहाँ पे इतनी सारी ड्राइंग थी और ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मतलब मैं पढ़ नहीं पाई, इतना टाइम नहीं मिला, लेकिन एकदम प्लेन जगह पे, मतलब प्लेन था पूरा, ये वाइट था और उसमें कुछ ऐसे ऐसे ना शेड्स वगैरह दे रखे थे, लेकिन मतलब अट्रैक्टिव था बहुत ज़्यादा, लाइव देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं मतलब इतनी सारी चीज़ें वहाँ लिखी हुई थी और इतने सारे ड्राॅइंग्स थे, मतलब एक एक वॉल पर इतनी सारी चीज़ें थी, तो ऑब्वियसली इतना सारा पढ़ना तो पॉसिबल नहीं था। बाकी हम फर्स्ट टाइम गए थे तो बहुत कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था ऑनेस्टली। फिर यहाँ पर मैंने सारे बच्चे जो यहाँ पर प्रिंट कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया, यहाँ पे मज़ा आ रहा था ये सारे प्रिंट करने में। एग्जैक्टली पता है क्या, यहाँ पे खाली ये स्टाम्प मारना था, लेकिन मैंने यहाँ पे स्माइली बना दिया। बाद में एक बच्ची जो है ऐसे बना रही थी पूरा, शायद अपना नाम वाम लिख रही थी, तो उसको जो है थोड़ा सर ने डांट दिया था, लेकिन मुझे ये करते हुए किसी ने नहीं देखा, तो थैंक गॉड मैं बच गई थी। तो यहाँ ये इस वीडियो के बाद जो है फिर मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई, और उसके बाद जब हम निकले, मतलब एग्जैक्टली 3:30 हम वहाँ से निकल गए थे एग्जीबिशन से, और उसके बाद बस से हम इतनी तेज़ी से फटाफट से कॉलेज पहुँचे। कॉलेज पहुँचने के बाद मैं एक बस से उतरी और फटाफट से दूसरे बस में चढ़ी, वो जो मतलब कि इस बस से फिर मैं बैठी और यहाँ से फिर मुझे घर जाना था। तो पूरा सुबह से लेकर के शाम तक मेरा बस में ही गुजरा था, और बैठे 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 भी मैं एकदम थक चुकी थी, क्योंकि एकदम पैर मेरा टाइट हो रहा था। और फिर मैंने जूते उते उतार के आलती पालती मार के बस में बैठ गई। मैंने नहीं देखा कौन देख रहा है, कैसा लग रहा है, मैं बस ऐसे ही बैठ गई, मेरे से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। उसके बाद घर पहुंचने के बाद इतनी बुरी हालत थी मेरी, गई मैं फ्रेश व्रेश हुई, उसके बाद बस यहीं पे मैं व्लॉग एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। सो गाइज़ आई होप आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है तो उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।